अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, बहुत इंकशाफात अहम है। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखो ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन आज मिलेगी। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आज आप सवालों के सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। शेड की इंफॉर्मेशन, बछड़े के कारोबार की इंफॉर्मेशन और साथ साथ ये सफाई के बारे में, सैलज के बारे में, तूड़ी और वनडे के बारे में आपको सभी कुछ बताया जाएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें और जो नए साथी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों को पता चल जाए ये किस तरह का कारोबार है। आइए अब आगे वीडियो देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिजनेस स्टार फिशर में एजी अज़र खान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर हम आप भाइयों की मोहब्बत के लिए इसी फार्म पहले की रवायात को कायम रखते हुए राजवाल फार्म में नए बछड़े आए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए आज फिर आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी जब भी नई वीडियो बने तो आपके लिए नोटिफिकेशन के ज़रिए आपकी के पास पहुंच सके। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए इस भाई से हम जानेंगे और इस फार्म पर आए तो सफाई भी बहुत अच्छी लग रही है, खासी सफाई मुझे नज़र आ रही है, साथ साथ बछड़े नए आने की वजह से भी कुछ तब्दीली आई है। तो आज हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं, कुछ लोगों की शिकायत मेरे पास मसूल हुई थी, मुकम्मल वो भी मैं बताता हूं। बात यह है दोस्तों, भाइयों ने काफ़ी ने शिकायत ये की है कि आपका नंबर ऑफ होता है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नंबर दिन के वक्त ऑफ ही रहेगा, रात के वक्त तकरीबन मगरब की नमाज के बाद नंबर ऑन हो जाया करेगा। तो दिन के वक्त मेरी कुछ मसरूफियात हैं, वीडियो बनानी होती है, साथ साथ सुबह फर्स्ट टाइम स्कूल में होता हूँ उधर मुझे पढ़ाना पड़ता है, क्यों उस वक्त मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का कीमती टाइम ज़ाया हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तजा करता हूँ इस मसले के लिए माइंड ना करना। तो इंशाल्लाह कुछ वक्त ऐसा आएगा आप भाइयों के तावन से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको नंबर देने भी ऑन होया करेगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह आइए इस भाई से मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो क्या है, भाई ने बछड़े नए लेकर आए हैं, इससे पूछते हैं कैसे डिवर्मिंग की है और किस तरह आपने किस रेट पर ख़रीदे हैं, वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए और आपको इस कारोबार के बारे में। काफ़ी दोस्त नए नए आना चाहते हैं और कुछ बछड़े सेल के बारे में, बछड़ों के सेल के बारे में बताएंगे और उस बछड़ों के सेल के बारे में मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊंगा। ये वो इधर के नहीं, एक और दोस्त है उसने सेल करने हैं, उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। और ये बछड़ों की इंफॉर्मेशन, ये किधर से लेकर आए हैं और कौन सी मंडी से ख़रीदे हैं, ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आइए अब इस भाई के पास चलते हैं जो मुकम्मल वजाहत के साथ हमें ये एंट्री देगा। आइए अब भाई मोहम्मद कुदरतुल्ला के पास चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अहम बात और भी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पर कॉलें आई थी, मैसेज आए थे कि भाई आप मुकम्मल शेड नहीं दिखाते। सबसे पहले मैं आपको शेड, ये सादा माहौल का शेड है, इसका सादा माहौल का नक्शा ये देख रहे हैं, कम से कम ये 13 फुट ऊंचा है, भाई ने बनाया हुआ कम से कम 13 फुट ऊंचा है। तो ये सादा, ये ऊपर बांस पड़े हुए हैं, ये आप भाई देख सकते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं ये भाई आप जल्दी कर जाते हैं, भाई मैं जल्दी नहीं इंशाल्लाह करूँगा। अब सल्ली के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ छत, ये सादा माहौल की छत है, ऊपर तरपैल पड़े डाली हुई है, ये ऊपर और क्या डाला, बांस और उसके साथ गार्डर,
और साथ साथ ये भी मैं दिखा दूँ, ये जी छत डाले, ताकि आपको क्लियर हो जाए। गार्डर भी काउंटिंग कर सकते हैं आप, ये ऊपर वादार भी जगह छोड़ी भी कुछ, इधर देखते जाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्दियों में आगे तरपाल डाल देते हैं, सर्दियों में ये ऊपर कुछ आपको नज़र आ रही होगी, ये पंखे भी लगे हुए हैं। आज आप सफाई देख रहे हैं, सफाई काफ़ी अच्छी है, सफाई आपको नज़र आ रही है, सफाई ठीक है। आज सफाई का ख़ास ख्याल उन्होंने भाइयों ने रखा है, तो भाई से इन्फॉर्मेशन लेते हैं अब। अस्सलामु अलैकुम भाई कुदरतुल्ला। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल है जी? ठीक ठाक भाई जान, और सुनाओ सब खैर खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई जान, आज सन तुसी ये दसो कि बछड़े किन्ने नवे खरीदे जे? बछड़े हुन खरीद के असि लै जी तकरीबन 25-30 जानवर ने नवे। 25-30 जानवर ने? केड़ी केड़ी नस्ल दे बछड़े ने? साहिवाल क्रॉस चौलस्तानी। साहिवाल क्रॉस चौलस्तानी, ठीक हो गया वीर जी। अच्छा तुसी ये दसो एक केड़ी मंडी तो तुसी खरीद के शाहपुर? लाहौर शाहपुर तो। अच्छा तुसी ये भी हुण दसो सानू ते की रेट लैंदे ते किंज किंज लै के आ जे? वजन दे हिसाब लै जे 40,000 तो लै के 50,000 तक है। उम्र दे हिसाब ते या वजन? वजन दा हिसाब हुंदा जी। अच्छा ते ओ किन्ने किलो दा हुंदा है वजन जी? 150 तो लै के तकरीबन 180-90-200 किलो तक। 150 लै ते 180-90 इन्हां तक, 200 के अंदर, ठीक हो गया। एक तकरीबन अंदाजे मुताबिक तुसीं नहीं दस्स सकदे बछड़ा किन्ने पै जांदा है? भाई जान तुहानू दस्सिया है कि इन्हां दी रेंज जिहड़ी है तकरीबन 40 तो लै के 50 तक है। हाँ ठीक हो गया, 50-55। अच्छा ठीक हो गया जी। हुण तुहानू बछे लैंदे नूं किन्ने दिन हो चुके ने? इन्हां नूं हो गए ने जी तकरीबन 8 दिन हो चले ने, 10 दिन। अज 10 दिन हो चले ने, ठीक है। आपां हर हफ्ते यानी कि 15 दिन बाद रिपोर्ट देनी करनी है, ताकि भाइयों नूं दोस्तों नूं पता चल जाए इंशाल्लाह ते किस तरीके केयर कर रहे हैं, किस तरीके अपने बच्चों ध्यान रखते पैने, फैसिबिलिटी पर रिपोर्ट देनी करनी है, ठीक हो गया जी। इस तों अलावा जी जस जो तुसीं लैके आए बछड़े, हाँ जी, तो इन्हों की डिवर्मिंग की जे? हाँ जी हो गई है जी। अच्छा जी, वो किस तरीके डिवर्मिंग तुसां कीती? और डिवर्मिंग पाई जाने ना ड्राफ्ट बनया हुंदा है, और ड्राफ्ट दे जरिए इन्हां दा मुँह सुटनी पैंदी है। अच्छा मिसाल तौर पर वो तुसी वो शहर जो लैते आते जी, उस मुताबिक उत्ते लिखिजा हुंदा है? उत्ते लिखा हुंदा। तो केड़ी दवाई है जे तुसी दंदे तो पता जे? वेस्टर्ड। वेस्टर्ड वेस्टर्ड ते और हैगी है एक होगी वर्सड, तो दूसरी बैंसन। हाँ दो हो गई, तो उन उस उन उत्ते लिख दिया होंदे सारा कुछ? हाँ उत्ते लिखा होंदा। उस मुताबिक चाहे छोटा बच्चा होवे उंदी मकदार कोई? हाँ उदा उदा मकदार काट हुंदी है, बड़े जानवर दी मकदार ज्यादा हुंदी है। ठीक हो गया। नहीं मैं सुनया सी लुड्डन मंडी ते सुनया 180-70-90 रुपए रेट ते जानवर मिलदे ने? नहीं भाई जान, वो सब झूठ है। ते तुहाड़े कोल अंदाजे मुताबक कोई पता होवेगा जांदे ने उत्थे बच्चे छोटा होवे वड्डा होवे वजन मुताबक देंदे ने या उवें रेट दे मुताबक? इस मंडी दे बारे कोई इनफॉर्मेशन है तुहाड़े कोल? भाई जान असी गया सी ओह मंडी, दूसरी मंडियां तो बहुत ज्यादा महंगी है। लुड्डन मंडी? लुड्डन मंडी सब तो ज्यादा महंगी है, महंगी उत्थे तोल के जड़ा ने एवें ही गल्लां ने हुण इत्थे मैं कही जावां जी मैं जानवर इंज देवांगा इंज लैंदा ए कहता ओह कीता, हां जी ओह गल्लां ही ने, ठीक है जी। उत्थे एक गल्लां ही बनिया हुई ने कि जी लुड्डन मंडी तोल के देंदे ने 180 रुपए किलो। अच्छा 180 भाजन मंडी खुद करी दी है, और 205-10 रुपए मंडी सानू खुद पैंदी है। अच्छा 210-5 रुपए? हां ठीक हो गया। ते नहीं जे जे थोड़े पहले बच्चे सन, हां वो तुहां सेल किथे किथे सन? वो असि सेल स्लाटर नु, कोई स्लाटर नु कर लै, कोई स्लाटर नु कर लै, कोई अच्छा कोई स्लाटर हाउस ला गया, कोई दूजे? हाँ कोई दूसरे एवे सी कि आ वीडियो दे मुताबिक जेड़ा ना राबता होया सी जेड़ी आपा वीडियो बनाई सी, हाँ जेड़ी वीडियो बनाई सी वो फार्म उन्होंने बनाना सी, वो फार्म वास्ते सारे कोल कोई 35-40 जानवर वो ला गया सी। हाँ बिल्कुल सही गल, गैन मेरे कोल ही गए। हाँ ते सही हो गया जी। इस तों बाद जी तुसीं पहले वंडा तूड़ी सब कुछ खिलांदे रहे जी, ते हुण की मकदार है, की हिसाब किताब इहदा? हुण तूड़ी चलेगी या आलू चलेगा? नहीं हाले ए फलाक ते तूड़ी वंडा चलेगा। अच्छा इस तो अगला फलाक जेड़ा वो आएगा आलू दा, इस तो अगला आएगा आलूआं दा। ए 3 महीने यानी कि मैं 15 दिन जिंदे 8 दिन हो गए ने, ये 3 महीने आलू तैयार होने लग जाने। अच्छा सही हो गया जी।
हाँ जी, अगर कोई बछड़ा खुदा न खासा वादा गड़ा हो जाए इंदा कोई हल डॉक्टर डॉक्टर पैजन सरकारी डॉक्टर रबता कर डॉक्टर सरकारी ने रबता कर दे तो डॉक्टर थोड़े ग्राउंड लादा। ये बछड़े आप देख रहे हैं साजाने मिल रही हैं, ये कैसे बछड़े जा रहे हैं खुराक की तरफ। अच्छा कुदरत अल्लाह भाई ये माशाल्लाह सफाई का बड़ा ख्याल रखा जी। ये सफाई पैजन जो असं फलाक कढ़िया ना, हाँ जी हाँ जी, उस तो बाद तो सामने मजदूर लगे हुए ने और सारा कचरा कट्ठा हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया जो नजर आ रहा है पैजन, असं क्रेन लेवे ट्रालियां लेवे एक बार इन चौके सुट देंगे। सही हुआ भाई, थले सारा सोलंग लगे हुआ पैजन, सारा सोलंग है जी। हाँ सोलंग टोटली टोटल ठीक हो गया। अच्छा सानू हुण इह ज़्यादा दसो जिहड़ा तुहाडा छत वाला खर्चा है, हाँ जी छत का खर्चा ना जेड़ा है कली छत का तो सीधा करीब जो दो लाख हो जाएगा तो चार दोरी पा के थले सोलंग पा के किन्ना खर्चा हो गया तो फिर पैजन बड़ा लंबा रेंज हो जाए चार पांच लाख भी लग सकता अच्छा कोई छोटा छत कोई बना चाहना पांच दस मरले का उन्दे बाद छत का किन्ना खर्चा आ सकता है उधर चार दोरी खुरलियां छत मुकम्मल जी अच्छा तो हूँ अगे आलो तीन महीने दो मिनट ठहर के आलो दो तीन महीने लग जाने। अच्छा अजय तुम तूड़ी तो वंडा ही ख्याल रखोगे? हाँ तूड़ी तो वंडा ही चलेगा। ठीक हो, साड़ा आखिरी सवाल है तुम ये सू दसना है कि अगर कोई दोस्त या भाई अपना कारोबार करना चाहता हो हाँ जी की मशवरा दोगे? तो ठीक है पैजन, कारोबार इस कारोबार के जरा ना नुकसान नहीं है। हाँ जी कोई दोस्त परेशान बड़े हो जाते हैं कि सैलज के बारे थोड़ा दसो ना सानू, सैलज की फायदा है कि नुकसान? भाईजान सैलज का जोड़ा सैलज असी ना इस्तेमाल किया। हाँ जी और ना ही सानू बारे पता है। ठीक हो गया, जोड़ा तूड़ी और वंडे का जानवर है ना। हाँ जी वंडे ने खुराक जी इंदी है एक समझ लो कि फीड है। हाँ जी बिल्कुल जी, इन्हें ताकत भी देनी है और ग्रोथ भी करानी है। हाँ जी हाँ जी, जोड़ा सैलज है वो पट्ठे तो बगैर या शीरे तो बगैर और कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, वो पेट भरना जानवर ने। अच्छा वो पेट ही भरना? पेट ही भरना, उनका फायदा कौन है? हाँ जेड़ा वंडा है वजन इन्हें देना। नहीं मैं एक जहाँ गया ना मांगे मंडी साइड तो वीडियो बनाई उन्हें सैलज रखा से लैके, तो मैं उन्होंने कहा कि सैलज का की फायदा, उन्हें जी बस मैंने किसी कहा जी, मैं डॉक्टर मशवरा दिता सैलज ठीक है जी। तो मैं मना चलो आई सी आई वंडा तो मैगनेशियम इस्तेमाल कर मैक्सम मेड मैक्स, तो तुम इनका रिजल्ट अच्छा आया ये मैंने पता लगे आई सी आई का मेड मैक्स मैक्सम का वंडे का रिजल्ट ठीक है इवें गल है जी। तो मैं उन्होंने कहा लेकिन वो कह रहे हैं जी असं पहली दफ़ा कारोबार किया तो असं पहली दफ़ा लगा एवं ही है ना भाईजान, जो बंद परेशान होंगे ने उन्होंने जिमें जो बंद आखेगा उन्हें मगर लग जाएंगे, कोई कहेगा सैलज लिया के पा हाँ जी उन्हें मगर लग जाने, कोई बंद कहेगा जी तू कड़म कुतर के पा उन्हें मगर लग जाएगा, हाँ जी कोई कहेगा जी तू तूड़ी की बचत कर पराली कुतर के पा पराली कुतर के पाएगा। अच्छा बेस्ट तरीका है तूड़ी वाला ही? तूड़ी वाला ही है, तूड़ी बेस्ट है भाईजान, ये इंसान वाला ही है क्या इन च भी जान है। हाँ बिल्कुल, तेरी और मेरी खुराक रोटी है। हाँ जी तू जो मर्जी खा ले जिनी तरह तू रोटी नहीं खाएगा तेरा पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल ये इन्हों की खुराक है। राइट तूड़ी जी इन्ह की खुराक है भाईजान, बाकी अगे अपनी बचत तो जो मर्जी की जाए। सही है जी, सही बिल्कुल गल सही है। तुहानू ये वीडियो बिल्कुल चंगी लगे जी इंशाल्लाह, मैं दावे नाल कह रहा ये गल्लां बरा ने बड़ियां सुथरियां दसियां ने ते चंगियां गल्लां दसियां ने, ते वीडियो तुसीं मुकम्मल देखोगे तो फिर मज़ा आएगा, ते जे अगां फिर मुकद्दर जज्बाती फैसला ना किया करो वीडियो नूं मुकम्मल देखिया करो। तब तक वास्ते नई वीडियो के इंतजार करन वास्ते
ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਹ ਜੀ ਅਜ਼ਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿਓ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ।